ये देख सकते हैं कितना विशाल यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। एक यहाँ और उसके बगल में भी बनाया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 पंडाल बनाए गए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही भव्य और विशाल पंडाल है। तो नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं अभी उपस्थित हूँ पंडरपुर, जहाँ की शिव महापुराण की कथा होने वाली है और प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना भव्य यहाँ पर गेट बनाया गया है, जो कि इसी के नीचे से सभी भक्त जाएंगे और बहुत सारे यहाँ पर तैयारी की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत बड़ा जो यहाँ पर ये बिल्डिंग दिख रही है, इसमें सभी भक्तों का यहाँ पर रुकने का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है। और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ और वहाँ का व्यवस्था दिखाता हूँ दोस्तों कि किस किस चीज़ का तैयारी किया गया है और भक्त कितने आए हुए हैं। तो आप लोग बन रहिए दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का बहुत बड़ा यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है और अभी भक्त लोगों का आना प्रारंभ हो गए हैं, सभी भक्त आ रहे हैं और पंडाल अभी से ही खचाखच अंदर की तरफ सभी पंडाल 3-4 पंडाल बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे, और अभी ही सारा पंडाल भर चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। अभी कथा होने में स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं लाखों की संख्या में भक्त लोगों का जमावड़ा हो चुका है और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर किस तरह का तैयारी किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक भाई साहब बिस्किट बांट रहे हैं और सभी लोग अपने हिसाब से जिसको जो श्रद्धा होता है अपना यहाँ पर प्रसाद वितरण करता है। तो चलिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों और क्या किस किस चीज़ का तैयारी चल रहा है। ये देख सकते हैं कितना विशाल यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। एक यहाँ और उसके बगल में भी बनाया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 पंडाल बनाए गए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही भव्य और विशाल पंडाल है। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर तैयारी किया गया है और यहाँ पर कृष्ण भगवान का यह मूर्ति स्थापित किया गया है, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध ये एक टेम्पल है और यहाँ पर कृष्ण भगवान को यहाँ पर बनाया गया है, जो कि बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का माहौल है। अभी कथा स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा समय है दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी से ही भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर जनसैलाब उमड़ गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी भक्त यहाँ पर और अलग अलग तरह की तैयारी की गई है। देख सकते हैं यहाँ पर दान कार्यालय है, जो कि यहाँ पर जो भी भक्त हैं अपना दान करना चाहते हैं तो यहाँ दान कर सकते हैं। वहाँ पर सब अलग अलग तरीके का स्टॉल लगा हुआ है, जो कि दुकानें हैं, माला और हर चीज़ का वहाँ पर बिकता है। और चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ और दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर किस किस चीज़ का तैयारी किया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी भक्त, यहाँ पर सभी पंडाल फुल हो चुके हैं, 6 पंडाल का पंडाल पूरा फुल हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर अभी पब्लिक भक्तों का भी आना तो अभी प्रारंभ हुआ है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और कथा स्टार्ट होगा 1 बजे से, तो 1 बजे तक यहाँ पर सभी भक्त यहाँ पर जितना, ये दोस्तों ये ग्राउंड दिख रहा है आपको, ये पूरा ग्राउंड आपको भर जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर चाय का वितरण किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर आर्य वैश्य कमेटी की तरफ से यहाँ पर मुफ्त चाय वितरण किया जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे भक्त, यहाँ पर सभी लोग चाय पी रहे हैं। कैसा चाय लग रहा है ब्रो? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? पैसा भी लग रहा है क्या? पैसा लग रहा है चाय का? पैसा नहीं, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फ्री में चाय वितरण हो रहा है। और चलिए मैं यहाँ कुछ जो लोग चाय बेच रहे हैं, कहाँ से भी आप लोग? पंडरपुर। ये वैश्य समाज की तरफ से ये चाय वितरण किया जा रहा है ना। हाँ मैंने दिखा दिया पहले, देख सकते हैं ये बोर्ड है दोस्तों और यहाँ पर ये आर्य वैश्य समाज की तरफ से यहाँ पर पंडरपुर मुफ्त चाय का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, जो कि हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तों को चाय पिलाया जा रहा है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर कितने दिन तक चलेगा? 7 दिन तक वितरण चलेगा। तो यहाँ पर जितने दिन कथा होगा दोस्तों यहाँ पर चाय का वितरण फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्त यहाँ पर चाय पी रहे हैं और जैसे जैसे, मतलब कि अभी तो भक्त आ ही रहे हैं और लाखों की संख्या में अभी भक्त आ चुके हैं और यहाँ पर साइड में स्टॉल लगा हुआ है दोस्तों कि सभी को चाय मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।